वेलकम टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए मैप लाया हूँ जिसका साइज़ है आपका 50x35। जो उसकी फ्रंट है वो आपको 50 फीट देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर, और जो उसकी डेप्थ है वो आपको 35 फीट देखने के लिए मिल जाती है। ये मैप डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से बनवाया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप भी अपना मैप बनवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये है, हमें कॉल कीजिएगा, या फिर अगर कॉल नहीं लगती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन गेट है जो कि हमने इनको 12 फीट का दिया हुआ है। आप यहां से एंट्री करते हैं तो सामने आपको देखने के लिए मिलता है पोर्च। पोर्च का साइज़ आपको दिया हुआ है 12 फीट बाय 18 फीट 3 इंच का आपको पोर्च है। यहां पे आपकी बड़ी से बड़ी गाड़ी भी आराम से पार्क हो जाएगी। पोर्च के आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिया गया है आपको ड्राइंग रूम, जिसका एक डोर यहाँ से दिया गया है आपको। ये आपका गेस्ट डोर है, जो आपके गेस्ट आएंगे वो आपके इस डोर से आ जाएंगे। ड्राइंग रूम का साइज़ आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर 14 फीट 3 इंच बाय 13 फीट का ये आपको ड्राइंग रूम दिया गया है। इसी के साथ इसमें वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपकी विंडो भी लगा दी गई है, यहाँ से आपका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। ये आपके सोफे वगैरह यहाँ पर डाल दिए हैं। अब आगे चलते हैं। पोर्ट से आगे आपको ये डोर देखने के लिए मिलता है, ये आपका मेन डोर है। आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो आप लॉबी में आ जाते हैं। लॉबी का साइज़ यहाँ पर आपको दिया गया है 25 फीट बाय 20 फीट की आपकी लॉबी है। ये आपको काफ़ी बड़ी लॉबी दी गई है। आपके यहाँ पर कोई फेस्टिवल वगैरह होगा तो भी आराम से आपके यहाँ पर अच्छे खासे आदमी आ जाएंगे। उसके बाद इधर चलते हैं तो ये आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर पूजा रूम, यानी कि जो आपका पूजा का एरिया है वो 12 फीट बाय 4 फीट का आपको दिया गया है। इसी के साथ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है एक बेडरूम, इन्हें सिंपल बेडरूम चाहिए, ना टॉयलेट अटैच चाहिए ना ड्रेसिंग, तो उनको दे दिया गया है। इस बेडरूम का डोर आपका ये रहा, इसमें एंट्री करते हैं आप। 12 फीट बाय 11 फीट 3 इंच का ये आपका बेडरूम बनाया गया है, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। अब आगे चलते हैं। बेडरूम के आगे आपको 3.5 फीट की स्टेयरकेस यानी कि जीना भी देखने के लिए मिल जाता है, जो यहाँ से आपको स्टार्ट होता है और ऐसे घूम करके आप अपना फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। इसी के साथ लॉबी में यहाँ आते हैं आप तो ड्राइंग रूम के बराबर में आपको दिया गया है आपका मास्टर बेडरूम, जिसका एक डोर आपको यहाँ से 3.5 फीट का देखने के लिए मिल जाता है। इस डोर में से आप एंट्री करते हैं, 14 फीट 4 इंच बाय 13 फीट का आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। इस मास्टर बेडरूम से अटैच है आपकी ड्रेस और टॉयलेट। इसी के साथ ये जो आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है, इसके वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो भी दे दी गई है, यहाँ से आपका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। मास्टर बेडरूम से अटैच है आपकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के लिए आपको डोर दिया गया है, आप इसमें एंट्री करते हैं। ड्रेस का जो आपका डोर रहेगा वो आपका 2.5 फीट का रहता है। ड्रेसिंग का साइज़ है आपका 6 फीट बाय 5 फीट की आपको ये ड्रेसिंग दी गई है। इससे अटैच है आपकी टॉयलेट, जिसका डोर आपको 2.5 फीट का देखने के लिए मिल जाता है। टॉयलेट का साइज़ यहाँ पर आपको दिया गया है 6 फीट बाय 7 फीट 9 इंच की आपको टॉयलेट दी गई है। और इसी के साथ इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ से रेजिमेंट भी कर दिया गया है, आपको वी देखने के लिए मिल जाता है, ये आपका वेंटिलेशन हो जाएगा यहाँ से। अब आगे चलते हैं। मास्टर बेडरूम से बाहर चलते हैं आप तो यहाँ पर आपको दी गई है आपकी टॉयलेट, जिसका डोर आपको 2.5 फीट का दिया गया है। ये आपकी कॉमन टॉयलेट है, इसका साइज़ रहेगा आपका 10 फीट बाय 5.5 फीट की आपको टॉयलेट दे दी गई है। इसी के साथ वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ से रेजिमेंट कर दिया गया है, आपका ओपन रहेगा, यहाँ से आपका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आप आगे चलते हैं तो आपको ये जो किचन है ये देखने के लिए मिल जाती है। आप 20 से इसमें एंट्री करते हैं, आपका आर्च है 10 फीट बाय 9.5 फीट की आपको किचन देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ जो इसमें स्लेब दिया गया है वो आपको यू शेप में दिया गया है, और ये आपको देखने के लिए मिल जाता है ऐसे यू शेप में स्लेब। इसी के साथ इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो भी लगा दी है, यहाँ से आपका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। ये मैप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है, आपका मैप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा। अगर आपको भी अपना मैप बनवाना है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।